इसराइल के एक समुद्र को मृत्यु सागर यानी डेड सी के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं इस समुद्र में मृत्यु सागर ही क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ खास रहस्य। यह समुद्र पृथ्वी की सतह से करीब 1375 फुट या 420 मीटर गहरा और समुद्री सतह से करीब 2400 फुट नीचे है। यह अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। समुद्र की खास बात यह है कि यहाँ कोई डूब नहीं सकता। इंसान यहाँ बिना किसी डर के आसानी से तैर सकते हैं। दुनिया भर के समुद्रों का पानी खारा या नमकीन होता है। इसमें नदियों का पानी की तुलना में समुद्र के नमकीन पानी का घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ जाती है। आम पानी की तुलना में इस पानी में 20 गुना ज्यादा ब्रोमिन, 50 गुना ज्यादा मैग्नीशियम और 10 गुना ज्यादा आयोडीन होता है। इस वजह से ना तो यह पानी पीने लायक होता है, ना इसमें मौजूद नमक का उपयोग किया जाता है। इस समुद्र को नमक की घनत्व ज्यादा होने की वजह से जल में रहने वाले जीव भी जीवित नहीं रह पाते, इसलिए इस समुद्र को मृत्यु सागर कहा जाता है। मृत्यु सागर इसराइल और जॉर्डन के बीच स्थित यह समुद्र बहुत कम जगह में फैला हुआ है। यह अरबी झील के रूप में जाना जाता है। यह हमेशा से ही विदेशी सैलानियों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस सागर में जॉर्डन नदी और अन्य छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। इसकी खूबी और उसके आसपास फैले सौंदर्य की वजह से इसे 2007 में विश्व की 7 अजूबों में चुनी गई 28 जगहों की सूची में शामिल किया गया है। इस समुद्र के पास अपने पिकनिक स्पॉट और होटल बने हुए हैं। यहाँ हर समय लोगों की भीड़ रहती है। छुट्टियां और मौज मस्ती के अन्य मौके पर लोग इस समुद्र में तैराकी का लुत्फ उठाते हैं। लोग इसके काले कीचड़ को अपने शरीर और चेहरे पर लगाते हैं क्योंकि इस समुद्र में कीचड़ त्वचा को निखारता है और यह कीचड़ बहुत सी बीमारियों को भी खत्म करता है। हालांकि समुद्र में नदियां और वर्षा से ताजा पानी आता रहता है, लेकिन यहाँ का वातावरण और हवा बहुत कुशक है। यहाँ का तापमान पूरे साल गर्म रहता है। यहाँ का वाष्पकरण तेज होने के कारण इसका पानी हर साल 1 मीटर से अधिक कम होता जा रहा है। चाहे सागर में कोई जीव जीवित ना रह पाता हो, पर इसका पानी बहुत सी औषधीय गुणों से भरपूर है। इस पानी को लाइलाज लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों ने भी यह साबित कर दिया है कि यह मिलने वाला नमक और खनिज लवण हमारे लिए मूल्यवान हो सकते हैं। इसी कारण आज मृत्यु सागर एशिया के मेडिकल टूरिज्म के रूप में आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। इसके उत्तरी पश्चिमी भाग में पर्यटन और स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। मृत्यु सागर के पानी की काली मिट्टी और नमक से यहाँ विभिन्न स्पा और मद थेरेपी के जरिए इलाज भी किया जाता है। इस सागर के जल में ब्रोमिन, मैग्नीशियम तथा आयोडीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ब्रोमिन धमनियों को शांत करता है, मैग्नीशियम त्वचा की एलर्जी से लड़ता है, जबकि आयोडीन कई ग्रंथियों की कार्यशीलता को बढ़ाता है। सौंदर्य और स्वास्थ्य के लिए मृत्यु सागर के गुणों की सिद्धि की वजह से ही कई प्रसिद्ध कंपनियां मृत्यु सागर से ली गई चीजों पर आधारित सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री बनाती हैं। इसके गर्म सल्फर और कीचड़ कई बीमारियों के इलाज और अहम भूमिका निभाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये टैक्सी? कमेंट करके जरूर बताएं।